हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित गरियाबंद जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, गरियाबंद जिला, यह ज़िला भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिलों में से एक गरियाबंद जिला के नाम से जाना जाता है। गरियाबंद जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस गरियाबंद शहर में मौजूद है, और गरियाबंद जिला रायपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गरियाबंद जिले का गठन 2012 में किया गया था। गरियाबंद जिला के पड़ोसी जिले का नाम इस प्रकार है। गरियाबंद जिला के उत्तर दिशा में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उत्तर दिशा में महासमुंद जिला, पश्चिम दिशा में धमतरी जिला से घिरा हुआ है। गरियाबंद जिला में एक उपमंडल, 5 तहसील, 5 ब्लॉक, 6 कॉलेज, 25 अस्पताल, 4 नगर पालिका, 45 बैंक, 1 मुख्य डाकघर, 1 लोकसभा, 1 विधानसभा, 332 ग्राम पंचायतें और 711 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो गरियाबंद जिले का कुल क्षेत्रफल 5,822 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार इस ज़िले की कुल आबादी 5,97,653 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 2,95,851 और महिला की कुल आबादी 3,01,802 है। गरियाबंद जिले का औसत लिंगानुपात 1,020 के करीब है, यानी कि गरियाबंद जिला में 1,000 पुरुष पर 1,020 महिला हैं। गरियाबंद जिला के मुख्य नदी का नाम सोंढूर नदी है। सोंढूर नदी के किनारे पर बसा यह जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 92 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1,300 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 68% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 68% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। गरियाबंद जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं। ITS कॉलेज, IMB यूनिवर्सिटी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरस्वती ज्ञानदीप मंदिर, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो गरियाबंद जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। गरियाबंद जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में शुमार देवधारा वाटरफॉल, चिकनका वाटरफॉल, कचना धूसा मंदिर, भूतेश्वरनाथ मंदिर, जमतई माता मंदिर, भूतेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं, जहां पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 130 गुजरती है, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस जिला में रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, गरियाबंद जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।